हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स वर्कबुक। दैट्स व्हाई यू हैव टू ओपन योर मैथ्स वर्कबुक। आई शो यू फ्रंट पेज, इट्स हियर, दिस वन। ओके, सो ओपन योर मैथ्स वर्कबुक एंड कम टू द पेज नंबर 88 एंड 8, इट्स कॉल्ड 88। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट कंप्लीटेड एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 87, एक्सरसाइज नंबर 3, राइट? यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, यू नो दैट वेरी वेल, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर डन योर होमवर्क वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर न्यू एक्सरसाइज इन चैप्टर नंबर 8 ऑन पेज नंबर 88। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 8, इट्स हियर, टेंस एंड वर्ड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज नंबर 4, इट्स हियर ऑन पेज नंबर 88। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड विथ फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। लेट्स सी व्हाट इज इट, व्हाट वी हैव टू डू हियर। ड्रॉ बाय टेकिंग अ टेन इक्वल टू स्क्वायर, यू नो दैट, व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ दैट, and 1 is equal to triangle for the numbers given below. What has been done as an example? ओके, यहाँ पर हमें पहला एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बाजार से स्क्वायर खरीदना चाहते हैं, तो स्क्वायर के लिए आपको 10 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। आप जो भी चाहे कर ले, लेकिन आपको पे करने होंगे 10 रुपीज़। आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई आपको स्क्वायर ड्रॉ करना हो, अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है 10 रुपीज़ गए, ठीक है। 10 रुपीज़ का है एक स्क्वायर, यानी कि जिसने भी हम स्क्वायर को यूज़ करेंगे वो 10 रुपीज़ काउंट होगा, और ट्राइंगल का है 1 रुपीज़। ओके, ट्राइंगल के आपको देने होंगे 1 रुपीज़। स्क्वायर का होगा 10 और ट्राइंगल का होगा 1। इट्स वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम बाकी सारे सम्स करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना ही आपको इजी लगेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल। आई नो कि आपकी बुक में अवेलेबल है, लेकिन आप उसे अच्छे से स्टडी कर पाए, इसलिए यहाँ पर हम एग्जांपल कर रहे हैं। ओके, हियर वी हैव अ 36। हाउ मेनी अमाउंट वी हैव, सो वी हैव अ 36। 36 है, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, आपको यहाँ पर लाइन देखनी है, 36 कौन सी लाइन में आता है, सो इट्स कम इन 30 लाइन, राइट? ये 30 वाली लाइन में आता है, 30 + 6, ऐसा होता है, राइट? यू नो दैट 6 + 0 = 6। यहाँ पर कुछ नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर 0 लगा रही हूँ। 3 + 0 = 36। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, देखिए। लेकिन यहाँ पर जो 30 है स्टूडेंट्स, का आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। ये 30 है, यानी कि इस 30 में कितने 10s आते हैं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 10 + 10 + 10, 1, 2, 3 इजिली भी काउंट कर सकते हैं, हो गया 30। यानी कि हमने कितने 10s को यूज़ किया स्टूडेंट्स, 3, राइट? 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30. So how many tens we have to use here? So 3. Okay? यहाँ पर हमने 3 tens को use किया, 1, 2, 3. तभी जाके हमारा total amount हुआ 30, right? तो इसीलिए हम यहाँ पर कितने square draw करेंगे, 3 square draw करेंगे, because हमने 10 जो है वो 3 tens यूज किया है, राइट? टेंस को 3 tens यूज किया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर, वी हैव टू ड्रॉ हियर अ 3 square, अंडरस्टैंड? 1, 2 और 3 हो गया। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इजी वे में अगर देखिए तो 36 में कितने टेंस आते हैं वो पहले आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि 36 में आपने कितने टेंस यूज किए। अब रहा 1, यानी कि अब बारी है ट्राइंगल की। 10 रुपीज़ का आपने 3 tens दे दिए, ये पे हो चुके, अब कितना बचा, 6 only 6। तो हम कितने ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, 6। ओके, ये
So that's why we have to draw here a six triangle. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So now we have just completed this sum. It's easy and it's completed, right? ऐसे ही आपको काउंट करना है यानी कि ड्रॉ करना है ओके लेट्स सी नेक्स्ट 43 वी हैव अ 43 चलो देखते हैं ये अमाउंट है हमारे पास वी हैव अ 43 डिजिट राइट हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव टू यूज हियर सो यहाँ पर आप देखेंगे 4 राइट तो आप ऐसे इजी वे में भी कर सकते हैं 40 यानी 43 कौन सी लाइन में आता है 40 की लाइन में आता है राइट Am I right? Yes. तो यहाँ पर हम 40 की लाइन में और ऐसे देखा जाए तो इसमें कितने स्क्वायर हम यूज करेंगे कितने टेंस इसमें होते हैं 1, 2, 3, and 4 देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया 40 यानी कि हमने टेंस को चार बार यूज किया 10 को चार बार हमने यूज किया ठीक है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने 10 रुपीस को 4 टाइम पे किया राइट लेकिन इजी वे में देखिए तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आप 4 इजी वे में देखिए अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर 4 है पहले आप पहले 4 स्क्वायर को ड्रॉ कर दीजिए 1, 2, 3, and now 4 कंप्लीट यस और उसके पीछे कौन सा है 3 ओके यानी कि 40 तो हमने पे कर दिया 10, 20, 30, and 40 40 हो गया अब कितना बचा था 3 3 plus 0, 3, 4 plus 0, 4 हो गया 43 यानी कि हम यहाँ पर 3 ट्राइंगल को यूज करेंगे 1, 2, 3 यानी कि 3 ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे ओके कंप्लीटेड लेट्स सी नेक्स्ट आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 57 वी हैव अ 57 डिजिट हाउ मेनी टेंस वी हैव टू यूज हियर तो यहाँ पर हम कितने स्क्वायर्स यानी टेंस यानी कि स्क्वायर क्योंकि उसका 10 रुपीज़ है 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो हम यहाँ पर कितने स्क्वायर ड्रॉ करेंगे ये आता है 50 की लाइन में सो 1, 2, 3, 4, and 5 हो गया 5 स्क्वायर यानी कि हमने 10 रुपीस 5 टाइम पे किया 10, 20, 30, 40, and 50 अब कितने बचे 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 हो गया ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा तीसरा सम अब देखते हैं नेक्स्ट 62 राइट नेक्स्ट हमारा डिजिट जो है वो है 62 का ये देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पहला डिजिट कौन सा है वंस पे है 2 और टेंस पे है 6 यानी कि टेंस पर है 6 तो हमें यहाँ पर कितने टेंस ड्रॉ करने चाहिए कितने स्क्वायर ड्रॉ करने चाहिए इट मीन्स 6 बिकॉज 62 कौन सी लाइन में आता है 60 की लाइन में राइट यानी कि ये वाली 60 की लाइन में आता है 60, 61, और 62 राइट लेकिन यहाँ पर 60 में हम कितने स्क्वायर को यूज करेंगे लेट्स सी 10, 20, 30, 40, 50, and 60 इट मीन्स 6 वी हैव टू यूज हियर 6 स्क्वायर्स 1, 2, 3, 4, 5, and 6 राइट सो वी हैव टू यूज हियर वी हैव टू ड्रॉ हियर 6 स्क्वायर इट्स वेरी सिंपल लेट्स ड्रॉ इट 1, 2, 3, 4, 5, and now 6 ओके लेट्स सी इन अ ट्राइंगल हाउ मेनी ट्राइंगल वी हैव टू ड्रॉ हियर सो यहाँ पर तो 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया अब कौन सा बचा 62 यानी कि 6 के बाद आता है 61 और 62 यानी कि 1 और 2 ओनली 2 और अदरवाइज देखें तो यहाँ पर भी 2 है तो हम कितने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स 1 एंड 2 इजी ये हो गया
सो 62 है, इसलिए हमने पहले एज अ टेंस यहाँ पर हमने 6 स्क्वायर को ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, और फिर हमने 2 ट्राइंगल को ड्रॉ किया, राइट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, 62 नेक्स्ट डिजिट है 29, राइट, वी हैव अ 29 हियर, व्हाट वी हैव टू डू हियर, हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव टू ड्रॉ हियर, डू यू नो इट, यस, आई होप यू गेट एन आंसर। यहाँ पर 20 लाइन है, यानी कि 29 ये डिजिट है वो कौन सी लाइन में आता है, इट्स वेरी सिंपल, 20 की लाइन में 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ओके, सो 9, यहाँ तक हमने 29 काउंट किया, पर हम स्क्वायर कितने ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं पहले 2 है, ओके, 10 प्लस 10 हो गया 20 तो हमने कर लिया, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 2 स्क्वायर, ओनली 2 स्क्वायर, हो गया, इट्स वेरी सिंपल। अब है 9, सिर्फ हमें 9 रुपीस पे करने हैं, वो भी 1 रुपए में, तो हम कितना यहाँ पर ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, सो वी हैव टू ड्रॉ हियर 9 ट्राइंगल्स, राइट, बिकॉज हियर 9 एंड वी जस्ट पेड 10 and 10, 20, राइट, 20 तो हमने पे कर दिया है, अब कितना बचा, सिर्फ 9, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, सिंपल ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है 34, राइट, सिंपल वे में हम देखेंगे यहाँ, तो सिंपल वे में हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 अवेलेबल है, राइट, तो यहाँ पर हम इजीली 3 स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं एज अ टेंस, क्योंकि ये 34 है जो कि 30 की लाइन में आता है, 31 30 30 के बाद 31 32 33 और 34, राइट, यानी कि कितने यहाँ पर टेंस हमने यूज़ किया, 1 2 and 3, 10 20 and 30, राइट, हो गया 30, यानी कि 10 को हमने 3 टाइम यूज़ किया, तो इसीलिए यहाँ पर हम 3 स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, हो गया ये 3 स्क्वायर हमने ड्रॉ कर दिए, अब कितना बचा, 4, 0 + 4 = 4, 3 का 3 हम ऐसे ही लेंगे, हो गया 34, सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी हैव टू ड्रॉ हियर, 4, ओनली 4, 1 2 3 and 4, ये हो गया हमारा 34, ठीक है, आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया 34। अब नेक्स्ट देखते हैं 78, यहाँ पर है 78, ये हो गया, अब यहाँ पर हम कितने स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, इजी वे में देखे तो यहाँ पर 7 है, हम यहाँ पर फर्स्ट 7 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज 78 जो लाइन है वो 17 की लाइन में आता है, राइट, 70 की लाइन में आता है, सो हाउ मेनी स्क्वायर्स वी हैव टू यूज हियर, 10 10 20 plus 10 30 plus 10 40 plus 10 50 plus 10 60 plus 10 70, देखिए 10 20 30 40 50 60 and 70, हो गया, तो हमने 7 टाइम इस 10 को यूज किया, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 7 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 and 7, ओके, हियर वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 7 स्क्वायर्स, एंड नाउ हाउ मेनी लेफ्ट, इट्स ओनली 8, 70 + 8 हो जाएगा 78, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 8 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया,
ये हो गया 78, ओके। नेक्स्ट जो है वो है 85, कितना है 85, आप खुद भी कर सकते हैं। पहले तो 85 कौन सी लाइन में आता है, 80 की लाइन में आता है, 85 जो है वो 80 की लाइन में आता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 8 स्क्वायर्स। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, हम यहाँ पर 8 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे बिकॉज इसमें हमने टेंस को 8 टाइम यूज़ किया। कैसे देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 हो गया। ये देखिए 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70 और 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80। यानी कि इस 10 को हमने 8 टाइम यूज किया। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 8 स्क्वायर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया कंप्लीट। ये 8 हमने कंप्लीट कर लिया, अब कितने बचे, ओनली 5, वी हैव जस्ट ओनली 5, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर ओनली 5 ट्राइंगल्स, राइट। क्योंकि यहाँ तक हमने 80 तो कंप्लीट कर लिया, 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 5 ट्राइंगल्स, 1, 2, 3, 4, and now 5 हो गया। ये हमारा हो गया कंप्लीट 85, यू नो इट राइट। अब नेक्स्ट है 91, आप इसमें ऐसे ही ड्रॉ करते जाएगा स्टूडेंट, ये आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से करना है, ओके, डू इट बाय योरसेल्फ। 91 है, इसमें 9 स्क्वायर को हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज 91 इज कमिंग इन 19 लाइन, राइट, 90 की लाइन में 91 आता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर 9 स्क्वायर एंड वी हैव टू ड्रॉ हियर ओनली 1 ट्राइंगल, ये इजी रहेगा। अदरवाइज आप इजी वे में ऐसा भी कर सकते हैं, 91 है ये पहला, 90 है सॉरी 9 है तो आपको 9 स्क्वायर ड्रॉ करना है, पीछे है 1 तो आपको 1 ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, ओके। फिर है 42, वी हैव अ 42, तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, 4 स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं और 2 ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, इट्स इजी। नेक्स्ट है 55, ये तो बहुत ही सिंपल है, 55 देखा जाए तो 50 की लाइन में आता है। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी लाइन में कौन सा डिजिट आता है, इसे आपका सम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ओके। 55 देखिए 50 की लाइन में आता है, 51, 52, 53, 54 एंड 55, तो यहाँ पर हमने 5 टाइम स्क्वायर को यूज़ किया, 5 टाइम टेंस को यूज़ किया, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ हियर फर्स्ट 5 स्क्वायर एंड देन वी हैव टू ड्रॉ हियर 5 ट्राइंगल्स, गॉट इट। नेक्स्ट है 66, सेम आपको वैसा ही करना है, इट्स वेरी इजी सम, 6 ट्राइंगल एंड 6 स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्टूडेंट्स अपनी वर्कबुक एक्सरसाइज में कंप्लीट करना होगा, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा ही करना है, जो फर्स्ट होता है उसमें आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, 9 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, 1 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, फिर 4 स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, 2 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। फिर 55 है, ये तो बहुत ईजी है, 5 स्क्वायर और 5 ट्राइंगल, 6 स्क्वायर और 6 ट्राइंगल, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे।